रेकी से हील करके दुश्मन को मित्र कैसे बनाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाएं, रेकी से रेकी कॉल करें और अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाएं। उसके बाद अपनी क्लिंजिंग करें और अफर्मेशन दें कि मेरी ऑरा में अनवांटेड लोग, अनवांटेड वस्तुएं, अनवांटेड विचार हमेशा के लिए रिमूव हो जाएं। जे इस तरह के जो भी विचार मेरी ऑरा में हैं वो रिमूव हो जाएं। कट, कैंसिल, रिमूव, कट, कैंसिल, रिमूव, कट, कैंसिल, रिमूव, 3 टाइम बोलने के बाद आप अपने राइट हैंड को अपने चेहरे के सामने ऊपर सिर की तरफ लेकर आइए और जैसे कि कुल्हाड़ी की साइड में यानी तलवार की तरह अपने हाथ की हथेली के निचले हिस्से को सेब में कर लीजिए, उस साइज में कर लीजिए। उंगलियों को खोल के रखिए, ऊपर से नीचे की तरफ ऑरा को काटिए, फ्रंट में ऐसे ही बैक में करिए और लेफ्ट में और राइट में और सिर के ऊपर 6 इंच के ऊपर कट करिए। जब ये कर दें तब आप फील करेंगे कि आपके ऑरा में ऐसे अनवांटेड लोग और अनवांटेड विचार, अनवांटेड वस्तुएं अब नहीं हैं और ऐसा आपको फील होगा, अच्छा लगेगा, हल्का फील होगा, बहुत हल्का फील होगा, खुशी की फीलिंग आने लग जाएगी, आपके विचार पॉजिटिव होने लग जाएंगे। अब उन लोगों को वाइब्रेशन भेजिए जिन्हें आप अपना शत्रु समझते हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य, पिता, बेटा, बेटी, पत्नी या पति, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, कोई भी हो सकता है, भतीजे, नंद या नंदोई या और भी कोई लोग, दूर के रिश्तेदार, नज़दीक रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, कोई भी ग्राहक या दुकानदार, डॉक्टर या मरीज, इस तरह के कोई भी हो सकते हैं। उनको याद कीजिए और अपने 3rd eye में लेकर आइए। जितने लोगों को कर सकते हैं एक बार में, 1, 2, 3, जितने लोगों को आसानी से कर सकते हैं उतने ही लोगों को अपने 3rd eye में विजुलाइज कीजिए। उसके बाद रेकी को सेंड कीजिए उनके ऊपर। वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आपके शरीर से निकलकर उसके शरीर में जा रही है और उससे बात कीजिए कि तुम ने मेरा दिल दुखाया लेकिन मैंने तुम्हें क्षमा किया, मेरी वजह से तुम्हारा भी दिल दुखा होगा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ये बात 3 बार बोलिए। अब बोलिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो, जब हमारी पहली मुलाकात हुई तब मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत हेल्पफुल रहे और लगातार हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, हम जो भी लेन देन करते रहे, बातचीत करते रहे, जिस भी रूप में रिश्ते निभाते रहे, खान पान करते रहे, आते जाते रहे, घूमते रहे, एक दूसरे के दुखों में शामिल भी रहे, खुशियों में भी शामिल रहे, उन सारे मेल मिलापों में के दौरान हमें तुम्हारी हर बात, हर अदा, हर क्वालिटी अच्छी लगी, लेकिन परिस्थितियों के बदलने की वजह से विचारों में भी परिवर्तन हुआ और अब हम दोनों एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं, लेकिन मैं फिर से वही मित्रता बनाने की सोच चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे क्षमा करोगे और मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया है, हम दोनों आपस में मिलकर फिर से अच्छे रिश्ते की तरह चलेंगे जैसे पहले अच्छा रिश्ता बनाकर चलते थे, वैसे अब भी चलेंगे। हमारे बीच में जो भी नफरत है अब वो रिमूव हो गई है, हमने रेकी से हील कर दिया है हमेशा के लिए। जब आप ऐसा कर रहे हों तो उसके 3rd eye में और उसके हार्ट चक्र में देखते रहें कि सारी एनर्जी जा रही है और वो साफ़ हो रहा है,
आपकी तरफ से पॉजिटिविटी यानी कि रेकी जा रही है और वो हील हो रहा है, क्लिंज हो रहा है, साफ हो रहा है, और उसके मन में आपके लिए बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, वो खुश हो रहा है। और इमेजिन कीजिए कि आप दोनों फिर से एक साथ मिलकर वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे, और सारे गिले शिकवे मिट चुके हैं, धुल चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं। अब दोनों लोग पूरी तरीके से क्लीन होकर एक दूसरे से मिलकर खुश हैं, बातचीत कर रहे हैं, आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप लोग एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एकता के साथ रह रहे हैं। मीन्स कि दोनों में आपस में बहुत यूनिटी है। इस तरह से आप अफर्मेशन देते हुए रेकी को थैंक यू बोलिए, अपने पार्टनर को थैंक यू बोलिए, और आप देखेंगे कि विद इन वन वीक दोनों में बहुत अच्छा संबंध फिर से हो जाएगा, मिलना जुलना हो जाएगा, बातचीत करना हो जाएगा, और पहले की तरह ही लगभग संबंध हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने शत्रु को अपना मित्र बना लें, चाहे रिश्ते में वो कोई भी हो, उसको आप अपना मित्र बना सकते हैं। और मित्रों की संख्या ज़्यादा है, शत्रुओं की संख्या कम है, जिसकी भी वही सफल है। तो आप अमीर भी बन जाएंगे और सफल भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे।